यूपी के वाराणसी जिले में संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसके लिए आज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। आज हम लोग हवन कर रहे हैं मैम की सद्बुद्धि के लिए, कि सद्बुद्धि मिले हम लोग का, कुछ कल्याण कर दे वो। हम लोग को बस कॉलेज ट्रांसफर चाहिए, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग मैम का सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं कि मैम को सद्बुद्धि मिले और हम लोग का अच्छा भविष्य बन जाए। हाँ मैम से कोई डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई हम लोग की, कोई ऐसा इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर रहा, हम लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। कितने दिन हो गए धरने पे बैठे? हम लोग को 5-6 दिन हो गए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है। हम लोग जाने के बाद लंका थाने गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ का CEO जो भी है वो साफ मना कर दिया कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दरअसल मामला संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है, जहां एक हफ्ते से छात्र धरने पर बैठे हैं। जिन छात्रों को कॉलेज के क्लासरूम में होना चाहिए, छात्र अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि लगातार एक हफ्ते से धरना दिया जा रहा है और अब तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से लिखित आश्वासन नहीं मिला। कॉलेज प्रशासन झूठी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि छात्रों को काउंसलिंग के दौरान सुनिश्चित कर दिया गया था। छात्रों ने भगवान के सामने अपनी झोली फैलाई और डॉक्टर ऋतु गर्ग की प्रतिमा रखकर बुद्धि शुद्धि देने के लिए हवन का आयोजन किया।